Hello friends, and welcome back to another video from my YouTube channel, that is Vipin Sharma Biology Tutorials. And in this video we are going to talk about the current affairs for AIIMS GK practice. Okay, kuch questions hum dekhenge which are related to current affairs because you have demanded some questions. So let's begin. Okay, so yaar tabiyat aaj thodi kharab hai, agar awaaz thodi fluctuate ho to thoda bahut aap log dekh lena. Okay, so the question one is very important question, bahut hi zyada recent cheez hai. Bihar's फर्स्ट सीमेंस स्टेशन वॉज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. अभी बिहार में एक सीमेंस स्टेशन बना है, सो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट हुआ है? उसका आंसर होगा हमारा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट. राइट, द ऑप्शंस आर आरा डिस्ट्रिक्ट, पटना, रोहतास, बट द आंसर इज गोइंग टू बी पूर्णिया. सो PURNEA पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में बिहार का पहला सीमेंस स्टेशन जो है वो बनेगा. ओके, काफ़ी रिसेंट न्यूज़ है. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country is largest remittance receiving country in the world? So इस बार ये जो है इंडिया में हुआ है, so India is going to be the answer. So largest remittance receiving country is going to be India. Okay. Now next question. पाकिस्तानी legend मंसूर अहमद, जिनकी अभी death हो गई है, सिर्फ 49 साल के थे वो, 49 years old. So उनकी death हो गई है in Karachi. So उनका contribution जो था किस sport में था? Okay. सो मंसूर अहमद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बेसिकली द क्वेश्चन इज दिस. सो ही इज रिलेटेड टू हॉकी. ओके, सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर्स ऑफ हॉकी इन पाकिस्तान, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज पाकिस्तानी हॉकी लेजेंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल. ओके, नो नीडल प्रोटोकॉल वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्पोर्ट्स एजेंसी? किस इंडियन स्पोर्ट्स एजेंसी ने नो नीडल प्रोटोकॉल स्टार्ट किया है? एंड द आंसर इज गोइंग टू बी ए, दैट इज एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और AFI. ओके, सो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नो नीडल प्रोटोकॉल अब भी लॉन्च किया है जस्ट कुछ दिन पहले. राइट, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग ग्रीन प्रोपेलेंट? ग्रीन प्रोपेलेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है? लेट्स हैव अ लुक एट ऑप्शंस. नासा, देन स्पेस एक्स, नेचुरल प्रोपेलेंट मेकर्स और इसरो. सो द आंसर इज गोइंग टू बी इसरो. इसरो का फुल फॉर्म भी आ सकता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इसे इंडिया का नासा भी कहा जाता है. सो इसरो क्या कर रही है? कुछ ग्रीन प्रोपेलेंट्स बनाने की तैयारी कर रही है. राइट, सो आफ्टर दैट 15th एशिया मीडिया समिट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? किस कंट्री में 15th? ओके, यू हैव टू मेमोराइज इट. 15th एशिया मीडिया समिट हुआ था एंड द आंसर इज गोइंग टू बी इंडिया. ओके, भारत माता की जय, इंडिया में ही हुआ था. राइट, सो हर क्वेश्चन में भारत माता की जय वाला लॉजिक भी नहीं लगाना, कुछ क्वेश्चंस का आंसर कुछ और भी हो सकता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैज़ बीन कन्फर्ड विद स्वरामौली अवार्ड? स्वरामौली अवार्ड से इनमें से किस पर्सनैलिटी को सम्मानित किया गया था? एंड द आंसर इज गोइंग टू बी लता मंगेशकर जी. ओके, लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया था स्वरामौली अवार्ड से. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द 11th KIISS ओके ह्यूमेटेरियन अवार्ड? सो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ओके, 11th अवार्ड, और ये दिया गया है मोहम्मद यूनुस को. ओके, सो मोहम्मद यूनुस को 11th KIISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है 2018 में. सो इट इज़ क्वाइट रिसेंट न्यूज़. राइट, उसके बाद बात करते हैं अगली न्यूज़ की. फॉर विच प्लेस इंडिया एंड UAE, जिनको नहीं पता UAE क्या होता है, इट मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे अमीरात भी बोला जाता है. ओके, मिनिस्टर्स फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ ADNOC क्रूड. ADNOC सिंपली मीन्स अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी. ओके, सो ये जो बैठक हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? दैट हैज टेकन प्लेस इन मैंगलोर. सो यू हैव टू यू नो मेमोराइज इट. मैंगलोर में बैठक हुई थी UAE की और इंडिया की फॉर ADNOC, दैट इज अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी. एंड यू मस्ट मेमोराइज द फुल फॉर्म ऑफ UAE एज वेल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ देम हैज़ वॉन द मैड्रिड ओपन 2018? सो मैड्रिड ओपन 2018 किसने जीता था? पेट्रा क्विटोवा. सो पेट्रा क्विटोवा हैज़ वॉन द मैड्रिड ओपन 2018. आफ्टर दैट देर इज़ अ वेरी रिसेंट न्यूज़ कि आप लोगों ने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, ECG सुदर्शन. सो ECG सुदर्शन इज़ अ वेरी ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ इंडिया एंड ही इज़ यू नो नॉमिनेटेड फॉर नोबल प्राइज इन फिजिक्स 9 times, which is just commendable.
9 बार उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए उनके रिसर्च को भेजा जा चुका है, वो अलग बात है उन्हें एक भी बार नोबेल प्राइज़ मिला नहीं, लेकिन 9 बार रिकमेंड होना इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। उनका कल ही देहांत हुआ है, सो हो सकता है ये सवाल पूछा जाए, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स वी हैव एवर हैड। इंडिया में जितने भी फिजिसिस्ट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा तगड़े जो थे वो ECG सुदर्शन सर थे, जिनका कल ही देहांत हुआ है। सो इट इज़ अ वेरी यू नो ड्रास्टिक न्यूज़ फॉर इंडिया, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है इंडिया को इस मामले में, क्योंकि ही इज़ द ओनली वन साइंटिस्ट हु हैज़ प्रूव्ड द आइंस्टीन थ्योरी रॉन्ग। उन्होंने एक पार्टिकल डिस्कवर किया था दैट इज़ नोन एज टैकायन, एंड दैट टैकायन कैन मूव फास्टर देन लाइट, बट अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। इफ़ यू वांट सम मोर क्वेश्चंस फॉर AIIMS GK टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स पे अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन यू कैन कमेंट डाउन इन द यू नो कमेंट सेक्शन, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज भी मैं कोशिश करूँगा कि और एक दो वीडियोज़ आपके लिए करंट अफेयर्स की बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो।